हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं डिजाइनर बाजू। तो हमने कपड़े को फोर लेयर में रखा है और यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से नाप लेंगे, जितना आपका आर्म होल है उसके से 2 इंच एक्स्ट्रा लें। तो यहाँ पर हमने 9 इंच कपड़ा लिया है और इस तरीके से हमें ये 9.5 इंच कपड़ा लेना है बाजू के लिए। ठीक है, लंबाई आप अपने हिसाब से लें जितने आप इस बाजू को लंबा रखना चाहें। तो यहाँ पर मार्क डालेंगे और इसको सीधा कट कर देंगे। तो इसमें से हम छोटी वाली अपनी फ्रिल निकालेंगे, इसलिए लंबी पट्टी कट कर ली। अब एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, खुले की साइड हमारी तरफ है और खुले की साइड से हमें मार्क डालना है 3 इंच पर। तो यहाँ पर 3 इंच पे मार्क डाला है, बाजू की शेप लगा लेंगे इसमें, इस तरीके से मार्क करेंगे। हाफ इंच की गहराई और देंगे, देखिए हाफ इंच की गहराई देंगे फ्रंट पीस के लिए। ठीक है, अब जितने भी आपका बाजू का बॉटम है उतना लें, हमारा है 6 इंच, तो यहाँ पर हमें 8 इंच कपड़ा लेना है, यानी 8 इंच। तो इस तरीके से मार्क डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से हमने मार्क डाला है उसी तरीके से इसे कट कर लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, इसको खोल के रखेंगे और जो हमने हाफ इंच का मार्क डाला है तो इस तरीके से इसे कट करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों बाजू के लिए हमें ये फ्रिल के लिए चौड़ाई हमने इसकी ली है 3.5 इंच और ये डबल पट्टी है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रिल आएगी इसकी, तो ये डबल कपड़ा करके आएगी इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें उल्टी साइड हमने अंदर रखी है और सीधी साइड बाहर की तरफ है, और बाजू की सीधी साइड ही रख के इसे सिलाई लगानी है और इसमें प्लेटें लगानी है। तो प्लेट हम 1/2 इंच चौड़ी लगा रहे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो ज़्यादा चौड़ी लगाएं। तो इसमें पूरे में इसी तरीके से हमें छोटी छोटी प्लेटें लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्लेटें हमने लगा ली हैं बिल्कुल बराबर करते हुए। तो इसे बिल्कुल बराबर करके सिल देंगे यहाँ पर। धागे को कट कर लेना है और इसे पलट के सीधा करना है। तो इसके ऊपर दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से पलट के और सीधी साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए, सिलाई को हमने लगा लिया है, अब इसकी फिटिंग करनी है। तो फिटिंग आप अपने हिसाब से करें जितनी आप रखना चाहें, और सेम तरीके से हमें दूसरी वाली बाजू को भी बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही सिंपल है इस तरीके से बाजू को बनाना। ये किस तरीके से बनाइए हमने आपको बता दिया है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।